डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम सब्जेक्ट बायोलॉजी में कल बात कर रहे थे प्रतिबंधन एंजाइम की क्रियाविधि, तो अपना टॉपिक वो पूरा नहीं हो पाया था, तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम की क्रियाविधि। देखिए, प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए अनुक्रम लंबाई का निरीक्षण करके विशिष्ट पहचान अनुक्रम का अभिहन कराता है और विशिष्ट अनुक्रम की पहचान होने के बाद डीएनए के दोनों सूत्रों को शर्करा फास्फेट आधार स्तंभों के विशिष्ट स्थानों से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काटा जाता है कि जब छह क्षारक अनुक्रमों की पहचान हो जाती है तो उसके बाद में यानी प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा जीव ए के बीच में से काटता है। देखिए, प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम की पहचान करता है। पैलिंड्रोम के बारे में आपको कल भी बताया गया था कि पैलिंड्रोम क्या है, बाकी डिटेल में अभी भी बात करेंगे। देखिए, जैसे इक्वार फर्स्ट है, ये प्रतिबंधन एंजाइम का क्या प्रकार है। ये GATTC ये छह क्षारक अनुक्रम है, इनकी पहचान करेगा और इनकी पहचान करने के बाद में जीव एक के बीच में से काटेगा। तो मैं अभी आपको आरेख में दिखा रहा हूँ, अगले पेज के ऊपर लेकर चलता हूँ। पहले मैं इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। देखिए, प्रतिबंधन एंजाइम होता है जो छह क्षारक अनुक्रमों की पहचान करता है, जैसे GATTC, और यहाँ पर एक रेड लाइन दिखाई गई है, यहाँ से जीव ए के बीच में से काटता है। ये 5-3 डीएनए के रज्जु की बात है, यानी कहाँ से काट रहा है, जीव ए के बीच में से, इक्वार फर्स्ट। इसी प्रकार से डीएनए के दूसरे रज्जु की बात करें, 3-5, तो यहाँ पर भी एक प्रकार से कहाँ से काटा जा रहा है, जीव ए के बीच में से। ये जो रेड लाइन है, ये आपको जीव ए के बीच में से बता रही है, प्रतिबंधन एंजाइम को इंडिकेट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वार फर्स्ट है जो छह क्षारक अनुक्रम है GATTC की पहचान करेगा और उसके बाद में दोनों रज्जुक हैं वहाँ पर जीव ए के बीच में से प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटा जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं पैलिंड्रोम क्या है। देखिए, पैलिंड्रोम की बात यदि करें तो यह वर्णों या अक्षरों का बना ऐसा समूह है जिससे बने शब्द को आगे या पीछे से पढ़ने पर उसका अर्थ एक ही निकलता है। जैसे मलयालम को चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, उसका अर्थ समान ही निकलता है। इसी प्रकार डीएनए की 5-3 एवं 3-5 दिशा में पढ़ने पर एक ही श्रृंखला बनती है, यानी डीएनए कैसा होगा, पैलिंड्रोम होगा। पैलिंड्रोम शब्द का अर्थ समझ चुके होंगे कि चाहे उसे आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े, अर्थ समान ही निकलता है। जैसे कनक, आगे पीछे से अर्थ कनक ही निकलेगा। तो मैं आपको अगले पेज के ऊपर लेकर चलता हूँ। पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ। देखिए, यहाँ डीएनए पैलिंड्रोम से यह तात्पर्य है कि डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्मों का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने का अभिविन्यास समान रखा जाए, उस डीएनए को पैलिंड्रोम डीएनए बोलते हैं। कि जैसे GATTC, उसको चाहे आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े,
डैश से 3 डैश पढ़ेंगे या 3 डैश से 5 डैश दोनों रज्जुकों के ऊपर पढ़ेंगे तो उसका अर्थ GAATT से ही निकलेगा। प्रत्येक प्रतिबंध एंजाइम पैलिंड्रोम क्षेत्र के मध्य से थोड़ा हटकर दोनों सूत्रों के समान स्मारकों के बीच में से काटता है, जिससे प्रत्येक सूत्र में एक चिपचिपा सिरा बन जाता है। चिपचिपा सिरा बनेगा, उसके बाद में जब पुनर्योग DNA बनाएंगे तो वो चिपचिपे सिरे आपस में जुड़कर पुनर्योग DNA का निर्माण करते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे पेज के ऊपर चलते हैं। ये लाइन इरेज कर देता हूँ। देखिए, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में वाहक DNA, विदेशी DNA या बाहरी DNA को एक ही प्रतिबंध एंजाइम द्वारा काटा जाता है, जिससे दोनों कटे हुए चिपचिपे सिरे समान प्राप्त हों। उसके बाद में वाहक DNA वे विदेशी DNA के समान चिपचिपे सिरे जुड़कर पुनर्योग DNA का निर्माण करते हैं, जिसे संकर DNA भी कहते हैं। तो स्पष्ट हो चुका है कि पुनर्योग DNA क्या है। वाहक DNA व विदेशी DNA दोनों मिलकर एक DNA का निर्माण करते हैं, जिसे पुनर्योग DNA कहते हैं। तो ये थी प्रतिबंधन एंजाइम की क्रियाविधि। इससे आगे प्रश्न खंड दिया गया है, जो अगले पेज के ऊपर लेकर चलता हूँ, जो प्रश्न खंड की बात भी कर लेते हैं। इन लाइनों को इरेज कर देता हूं। देखिए, प्रश्न खंड में पहला प्रश्न है, कौन से एंजाइम DNA को विशिष्ट स्थल पर काटते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रश्न नंबर 2 है, प्राकृतिक रूप से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा जीवाणु में। पुनर्योग DNA तकनीकी की खोज किसने की? वर्नर आर्बर व हैमिल्टन ओ स्मिथ ने 1970 में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की खोज की। धन्यवाद। इससे आगे कल बात करेंगे।